हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी से बनने वाला ये बहुत ही टेस्टी और झटपट नाश्ता। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है जितना ये देखने में है। तो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप सूजी, ये बारीक सूजी है, आप कोई भी सूजी ले सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप घर का मीठा दही है ये। अगर आपका दही खट्टा हो तो आप दही की क्वांटिटी हाफ ले सकते हो, ये मीठा दही है इसलिए यहाँ पे मैं 1 कप इक्वल क्वांटिटी में दही ले रही हूँ। अब दही और सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे ये थोड़ा अभी थिक है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लगभग 2 टेबलस्पून जितना पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। पानी डाल के भी इसे अच्छे से मिला देते हैं। मेक श्योर कि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो फ्रेंड्स, अभी ये सूजी है थोड़ी फूलेगी, थोड़ी देर इसे 15-20 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए ये 15-20 मिनट बाद आप देखेंगे तो ये सूजी थोड़ी फूल चुकी है और ये इतना थिक रहना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक, तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। नमक डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इनो। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1/2 पैकेट इनो डाला है। अब इनो डाल के भी इसे हम कंटिन्यूसली हिला लेंगे और बहुत ज़्यादा इसे हम बाहर नहीं रखेंगे, तुरंत ही हम इसे अपने मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनो डाल के मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है ताकि ये इनो और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके का एक मोल्ड है, आपको किसी भी बेकरी शॉप में मिल जाएगा। इसमें मैंने अच्छे से घी लगा के ग्रीस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मोल्ड में ये जो बैटर हमने तैयार किया था इसे डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसे डाल देंगे। ये एक तरीके से इडली ही है, इडली का ही बैटर है, जो हम सूजी का इडली का बैटर बनाते हैं वही है। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके सारे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पूरा हमें ऊपर तक फिल नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ी फूलेगी। अब हम इसे डाल के थोड़ा टैप कर लेते हैं। तो देखिए इतना इतना मैंने इसमें थोड़ा सा जगह रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक मोमो का मोल्ड लिया हुआ है, इसमें हम डाल देंगे पानी। और आप देख पाएंगे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा डाला है जिससे कि ये जो बेस है इसका काला ना हो। अब हम इसमें इसके ऊपर वाला पार्ट रख देते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने इडली के जो बैटर डाल के रखे थे उसे हम डाल देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया है और हम इसे 15-20 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए फुल गैस पे छोड़ देंगे। जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम इसके ऊपर का स्टफिंग तैयार करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून राई को, तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 टीस्पून राई, मस्टर्ड सीड। अब हम इसमें डालेंगे लंबा कटा हुआ बारीक प्याज है, लगभग 1 बाउल यहाँ पे मैंने प्याज लिया है। प्याज डाल के इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं ताकि इसका जो प्याज का जो मॉइस्चर है थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 बाउल कैबेज। कैबेज को भी मैंने पतला लंबा कटिंग करके रखा है। साथ ही इसमें हम ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च,
एक बाउल शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई और 4 से 5 कड़ी पत्ते हैं। अब इन सबको डाल के हम अच्छे से थोड़ी देर सौते कर लेते हैं ताकि पत्ता गोभी प्याज शिमला मिर्च का जो भी मॉइस्चर है थोड़ा सूख जाए और ये थोड़ी कैबेज भी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो इसमें लहसुन भी यूज़ कर सकते हो, नमक अपने स्वाद के अनुसार देंगे, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके का स्टफिंग बनाना चाहते हो। तो देखिए इसका मॉइस्चर है काफ़ी सूख चुका है। अब हम इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर, ये भी मैंने एक बाउल भर के लिए हैं। टमाटर डाल के इसे 1-2 मिनट के लिए हिला लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गाजर जिसे मैंने ग्रेट करके रखा है, ये भी एक बाउल है गाजर। गाजर डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी सब्जी ले सकते हो। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली सॉस, साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमेटो केचप, ये भी 1 टेबल स्पून है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए ये जो सॉसेस है इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट में डालते हैं 1/4 टीस्पून चीनी ताकि इसका जो खट्टापन है इसे ये बैलेंस कर दे। चीनी डाल के हम इसे 1 से 2 मिनट और चलाएंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब ये जो हमारी स्टफिंग है बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारी जो इडलीज़ हैं वो रेडी हुई कि नहीं उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इडली लगता है मोस्टली तैयार हो चुकी है। तो हम एक कोई भी टूथपिक या फॉक लेके इसे इस तरीके से टिप करके देखेंगे, अगर ये टूथपिक में चिपक रही है तो इसे 1-2 मिनट और आप बेक स्टीम करें, उसके बाद इसे डीमोल्ड करें। तो यहाँ पे ये होने में ही है, 2 मिनट मैंने और इसे पका लिया है और इसे नीचे निकाल लिया है। तो अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तुरंत ही गरम गरम में डीमोल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करके करेंगे तो ये बहुत अच्छे से डिमोल्ड होता है और इसके शेप्स बहुत अच्छे निकलते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम हल्का हल्का हाथों से टैप करके इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं सारे इडलीस को पहले डिमोल्ड कर लेती हूँ। ध्यान रहे फ्रेंड्स गर्म में आप इसे डिमोल्ड ना करें। तो यहाँ पे मैंने सारे इडलीस को डिमोल्ड कर लिया है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है इडलियाँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टफिंग है जो हमने बना के रखी है इसे उसके ऊपर अच्छे से फैला देते हैं। ये जो बीच में होल है उसमें हम नहीं फिलअप करेंगे, हम सिर्फ साइड वाले हिस्सों में ही इस तरीके से स्टफिंग रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम धीरे धीरे इसे साइड वाले हिस्से में रखते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम पहले सारी इडलीज़ में ये जो स्टफिंग है मसाला है इसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे इडलीज़ में ये जो मसाला है लगा के रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो बीच में होल है इसमें एक चटनी लगाएंगे। तो ये मैंने हरी चटनी प्याज लहसुन टमाटर धनिया और हरी मिर्ची को
पीस के बनाए, थोड़ा सा इसमें काजू भी ऐड किया है। तो इस चटनी को हम डाल देते हैं। आप चाहे तो बीच में टमेटो केचप भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें हरी चटनी ऐड की है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसमें थोड़ा सा लहसुन का फ्लेवर ज़रूर दें, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चटनी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। ये जो हमारी इडलीज हैं बिल्कुल रेडी हैं। फ्रेंड्स, इस नए डिश का नाम मुझे नहीं पता, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मुझे क्या रखना चाहिए इसका नाम। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, सबको बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, आज की अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। इंस्टा पे भी मेरा पेज है, आप उस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो।